हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर जीके टीचर, माय नेम इज शांति। हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर फाइन। बच्चों, हमने जीके की बुक में हमने आपको 23 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। क्या नाम है सबसे लास्ट चैप्टर का? स्वच्छ भारत अभियान। हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। चलिए हम एक बार फिर से आपको रिविज़न करा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है? चलिए हम आज रिवीजन कराते हैं आपको। आपके स्कूली बच्चों खुलने वाले हैं बहुत जल्द ही, तो इसलिए आप लोग को हम रिवीजन करा दें, जिससे कि आप लोग अपना वर्क कंप्लीट अच्छे से कर सकें और अगर जो चीज़ याद करने वाली है आप उसको याद भी कर सकें, ठीक है? चलिए, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है आपका? आर क्लासरूम, ठीक है बच्चों? आर क्लासरूम मतलब आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इसमें लिखी है, हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहला होता है ब्लैक बोर्ड। अगर ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो उसमें टीचर लिखेंगे कैसे? फिर डस्टर होता है, फिर चेयर होती है, फिर बेंच होता है, पेन, पेंसिल, बुक, ये सब चीज़ें जो होती हैं बच्चों ये हमारे क्लासरूम में होती हैं। कुछ बच्चे लेके आते हैं, कुछ टीचर्स के होते हैं, तो इसलिए ये सब हमारे क्लासरूम में होते हैं। बुक, पेंसिल, पेन, बेंच, ये सब टीचर्स भी लेके आते हैं, बच्चे भी लेके आते हैं, और बेंच भी होती है क्लास में, चेयर भी होती है, डस्टर भी चाहिए, ब्लैक बोर्ड भी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी चीज़ें आर क्लासरूम की है बच्चों। इसमें कुछ आपको अगर और कुछ ऐड करना हो तो आप इसमें हमको बता सकते हैं कि मैम हमको इसको लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको आप अपने दिमाग से खुद लगाएंगे तो ये चीज़ टीचर्स को अच्छा लगेगा कि बच्चा इसका मतलब पढ़ रहा है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बच्चों, जगह जगह मंदिर बने होते हैं, मस्जिद होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो हर धर्म का इंसान अलग अलग, भगवान एक ही है लेकिन पूजता उन्हीं भगवान को वो अलग अलग रूप में पूजता है, ठीक है? हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मॉस्क्यू में जाते हैं, सिक्किम लोग चर्च में जाते हैं, और क्रिश्चियन लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, क्रिश्चियनिटी, ठीक है? तो भगवान एक है लेकिन सबको वो लोग अलग अलग धर्म, मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं तो अलग अलग अपने धर्म के हिसाब से पूछते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर आता है आर फेस्टिवल्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट, किसको दिवाली को क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट। जन्माष्टमी को बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्रिसमस को बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स। गुरुपर्व को बर्थ ऑफ सिख गुरु, ठीक है? इम्पॉर्टेंट डेज, बच्चों ये इम्पॉर्टेंट डेज तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डेज जो है पता होना होगा तो ये पता चलेगा ना कि आपको जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, टीचर्स डे कब होता है, चिल्ड्रंस डे कब होता है, वुमेंस डे कब होता है, फादर्स डे, मदर्स डे सब कब होता है। ये सब आपको बहुत अच्छे से बच्चों याद होना चाहिए, ठीक है? हम बताते हैं आपको, तो आप लोग उसको अच्छे से याद करिएगा। सबसे पहले क्या है बच्चों, इंटरनेशनल, ये देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च। टीचर्स डे 5 सितंबर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अर्थ डे 22 अप्रैल। फादर्स डे 3rd Sunday of June। फूल्स डे 1 अप्रैल। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा फूल्स डे कब मनाते हैं, अप्रैल फूल जो कहते हैं ना वही आपका फूल्स डे होता है, ठीक है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। मदर्स डे 2nd Sunday of May। बच्चों मदर्स डे और फादर्स डे तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आप अपने माँ बाप को जो है विश कर सके और उनका उनका दिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो फादर्स डे कब होता है बच्चों? 3rd Sunday of June। और मदर्स डे कब होता है? 2nd Sunday of May, ठीक है? फूल्स डे कब होता है? 1 अप्रैल। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, माय व्यूज। मतलब बच्चों इसमें क्या है कि योगा, योगा इज़ एन एक्सरसाइज दैट मेक्स यू फील गुड। बच्चों जो इंसान योगा करता है वो एकदम फिट रहता है, ठीक है? उसका शरीर एकदम बहुत ही एकदम एनर्जेटिक रहता है, मतलब एनर्जी रहती है उसके शरीर में, ठीक है? तो योगा आपको भी करना चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, योगा सबको करना चाहिए, ठीक है? तो अब इसमें क्या लिखा है, विच कंट्री डज योगा कम फ्रॉम? इंडिया। व्हाट कैन बूस्ट अप योर मूड? ऑल।
जब आपका मूड मतलब किस चीज़ से आपका मूड फ्रेश हो जाता है, म्यूज़िक से कि डांस से कि गेम से। तो बच्चों जो बच्चे होते हैं उनका तो हर चीज़ से मतलब गाना सुनते हैं तो भी मूड फ्रेश हो जाता है, डांस करेंगे तो भी, गेम खेलेंगे तब तो और अच्छे से मूड फ्रेश होता है। तो इसलिए हमने इसमें ऑल में टिक लगाया है। हाउ ऑफन डू यू फील हैप्पी, आप मतलब कब कब हैप्पी फील करना चाहते हैं? हर टाइम हैप्पी फील करना चाहते हैं, हर कोई हैप्पी फील करना चाहता है बच्चों। कौन चाहता है कि हमारा मूड ख़राब हो? कोई नहीं चाहता ना। तो फिर इसीलिए हमने ऑल द टाइम में टिक लगाया है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आगे, ठीक है? तो जितना हमने आपको आज समझाया है उतना रिवीजन करिएगा घर पे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों तो हम आपको समझाएंगे, हम आपको बताएंगे, आप हमसे पूछिएगा, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए और वर्क अपना कंप्लीट करते रहिए। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।